चौथा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि खाने का बॉयकॉट किस तरह किया जा सकता है जबकि लोग दूर दूर से आते हैं, क्या उनको भूखा भेज दिया जाए? दोस्तों, लोग आते नहीं दूर दूर से, बल्कि उन्हें बुलाया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है कि आप चूंकि उनकी कई दावतें खा चुके होते हैं, इसलिए अब उनकी दावत को रिटर्न करने का जब वक्त आता है, अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आप इस डर से उनको बुलाते हैं। अदरवाइज इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और सैकड़ों लोगों को जमा करना, जा जाकर रुखा देना, ये हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। आप उनकी दावतों में जाना छोड़ दीजिए, वो आपको बुलाना छोड़ देंगे, और इसके बाद आपको उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बारात चूंकि मुशरिकों का सिस्टम है, उनके पास बड़ी जात के लड़के को जल्द से जल्द कैप्चर करके शादी करना और कई सैकड़ों लोगों के अंदर ऐलान कर देना कि ये लड़के को हमने इस बकरे को हमने खरीद लिया है, ये हिंदुओं का तरीका है। सहाबा की कई शादियां आपको ऐसी मिलेंगी कि पड़ोस में खबर नहीं। हाँ, वलीमा अगर है तो वलीमे की इत्तला, वलीमा चूंकि ईरान का नाम है, सबको बुलाया जा सकता है, लेकिन उतने ही लोगों को जितने लोग आपके घर में समा सकते हैं। इसकी तफसील अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा।